तो गाइस आज हम डाउनलोड करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन इन ब्लू स्टैक। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हर एंड्रॉयड फ़ोन और इमुलेटर में यूज़ हो सकता है, सिर्फ उसमें क्रोम होना चाहिए। तो गाइस अपना इमुलेटर ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं डाउनलोड करने। तो गाइस हम लोग इमुलेटर पे आ चुके हैं, अभी ये जो फोल्डर बन के आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, अंदर क्रोम में क्लिक करेंगे, क्रोम ओपन हो गया, यहाँ पे लिखना है। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा था, पर मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप लिख भी सकते हैं http://mcpedl.org/getfile/277। गाइज ये हमने अपना लिंक ओपन कर लिया है। गाइज ये पहले उस पर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ 10 सेकंड का वेट लिख के आएगा, यहाँ पे लेफ्ट लिख के आएंगे, 10 सेकंड तक वेट करेंगे, डाउनलोड का बटन आएगा, क्लिक करेंगे। आपसे ये डाउनलोड कर रहे हैं, हम दूसरी बार डाउनलोड कर रहे हैं इसकी वजह से मांग रहे हैं, तो हम कुछ भी करके डाउनलोड कर रहे हैं। ये नीचे वाला कट कर देंगे तो पीछे डाउनलोड वाला आ रहा है, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का पेज आ रहा है, तब तक डाउनलोड होने देंगे। ये हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा था, इसे हम डिलीट कर रहे हैं कि कहीं आपको लगे कि हम पुराने वाला ही चला रहे हैं। गाइस देख सकते हैं उसकी तरह ही एकदम सेम आ रहा है, नीचे वाला भी ओपन करेंगे, टैगिंग ऐप लिख के आएगा, इंस्टॉल आ रहा है, इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉलिंग हो रही है, इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। गाइज इंस्टॉल हो चुका है, मोजैंग स्टूडियो लिख के आएगा, ये लोडिंग पेज है। गाइज ये वाइट स्क्रीन आ रही है, यहाँ माइनक्राफ्ट लिख के आ गया है, नीचे लोडिंग हो रही है। गाइज ये लोडिंग हो गई है, यहाँ पे थोड़ा लैग करेगा, आपको अगर साइन इन करना है तो आप कर सकते हैं, पर मुझे नहीं करना है। प्ले का बटन दबाएंगे। गाइज अगर आप इसे एप्लीकेशन में रखेंगे तो आपकी गेम एप्लीकेशन में रहेगी और बाहर नहीं निकलेगी, और जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो वो घर ख़राब हो जाएगा अगर आपका ऐप डिलीट हुआ। आप इसे एक्सटर्नल में करेंगे तो आपसे ये मांगेगा अलो के लिए, आप अलो करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले ही गेम खेली थी ये, तो मेरे पहले के थोड़े बहुत वर्ल्ड इसमें थे, तो देखो मैंने नया डाउनलोड किया था आप ही के सामने, फिर भी मेरे पुराने वर्ल्ड्स आ जाएंगे, आप देखना, देख सकते हैं मेरे पुराने वर्ल्ड्स आ चुके हैं। तो मैं नया वर्ल्ड ओपन करूँगा, क्रिएट न्यू पे जाएंगे, आप नीचे से कोई भी फीचर यूज़ कर सकते हैं अगर आप पे माइन कॉइंस हैं। गाइस लोडिंग हो रही है। अगर आपका कंप्यूटर नया है या लैपटॉप नया है तो इतनी लोडिंग नहीं होगी, और जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ जहाँ वर्ल्ड नेम लिख के आ रहा है वहाँ पे आप वर्ल्ड का कोई भी नाम रख सकते हैं। सर्वाइवल में जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स खेलते हैं वैसे ही आएगा, पर क्रिएटिव में आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स हो जाएंगे और यहाँ पे आपके अचीवमेंट्स वो हो जाएंगे टर्न ऑफ, तो आप इसे सर्वाइवल ही खेलें तो आपके लिए एडवेंचर अच्छा रहेगा, पीसफुल में बहुत कम मॉब्स जाएंगे,
और कम मारेंगे इजी में, इजी मॉब्स आएंगे जल्दी मर जाएंगे और कम स्मॉन में होंगे। नॉर्मल में नॉर्मल गेम चलेगी, हार्ड में ताकतवर मॉब्स भी आएंगे और ज़्यादा स्पॉन भी होंगे। तो गाइज इतना ही है इसमें और आगे नहीं है। गाइज ये मेंबर्स में आपका कोई भी बंदा मेंबर बन सकता है, वो आपके हर एक ब्लॉक तोड़ सकता है, मॉब्स में मार सकता है और आपको भी मार सकता है। आप अगर चाहते हैं आपके वर्ल्ड में कोई ज्वाइन करे तो उसका क्या रहे पोस्ट, वो ऑपरेटर रहे कि आपके वर्ल्ड में भी वो चीट्स यूज़ कर सकता है, या सिर्फ वो विजिटर रहे कि वो सिर्फ सब कुछ देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ना मॉब्स को मार सकता है ना आपको मार सकता है। और मेंबर्स सब कुछ कर सकते हैं, बस चीट्स का यूज़ नहीं कर सकते। विजिटर्स गाइस जैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है। गाइज यहाँ सीड है, आप जिस मर्जी सीड को लिख सकते हैं। जैसे कोई नए नए सीड निकल के आते हैं कि वहाँ साइड में वो विलेज होगा, यहाँ पे वो होगा, तो आप उस सीड को भी यहाँ लिख सकते हैं, तो आप वहीं स्पॉन होंगे। जैसे कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, पर मुझे कोई सीड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो मैं इसे नहीं लिखूँगा। गाइज ये फ्रेंडली फायर, आपका दोस्त आप पे अटैक कर सकता है फ्री में। और शो कोऑर्डिनेट्स, अगर आप कोई घर बनाते हैं तो खो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो शो कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देंगे तो साइड में कोऑर्डिनेट्स लिख के आएंगे, जिससे आप को ये पता रहेगा आपका घर कहाँ है और आप कहाँ हैं, तो आप अपने घर पे वापस जा सकते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन, आपसे बिना परमिशन लिए वो तुरंत आपको रिस्पॉन कर देगा, जैसे ही आपको कोई मॉब मारेगा या आप कहीं से गिर जाएंगे या लावा में आप जल जाएंगे, आप तुरंत ही अपने रिस्पॉन पॉइंट में रिस्पॉन हो जाएंगे। ये हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, ये क्रिएशन ऑफ कस्टम बायोम्स और ये सारे मोड्स हैं, और ये चीट्स भी आप ऑन कर सकते हैं पर आपके अचीवमेंट्स ऑफ हो जाएंगी। इसमें एजुकेशन एडिशन है, आपका फ़ोन या इम्यूलेटर कंपेटेबल होना चाहिए इसके लिए। ऑलवेज डे हमेशा दिन रहेगी, अगर आप मरेंगे तो आपकी इन्वेंट्री हमेशा आपके पास रहेगी, आपका सारा सामान। गाइस तो बस इस, अब मैं क्रिएट करता हूँ अपना वर्ल्ड, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। गाइस ये लोडिंग रिसोर्स पैक लिख के आ रहा है। गाइस यहाँ लोडिंग हो रही है गेम की, गाइज यहाँ गेम स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका फ़ोन या पीसी या फिर लैपटॉप बेटर कंडीशन में तो आपकी गेम अच्छी चलेगी, वैसे मेरी थोड़ी लैग चल रही है। गाइज थोड़ा इसको इग्नोर करना लैग को। और गाइज अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँ, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और तब मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।